ये सिंगर आया है, ये असम से। और इतना बड़ा सिंगर सेंसेशन जो हमका मेरा सामने बैठा है। भाई खाना कैसा था? बहुत टेस्टी है, और मेन बात वो जो फ्रेशनेस था बहुत अच्छा। बुलाने से आता है क्या? सुरेश बोलता है। हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्रेज द लॉर्ड। गाइस अभी हम सुबह सुबह निकल गया ट्रेन स्टेशन पीर से। असम का बहुत बड़ा सिंगर एक तो ऋषि राज पोकन बोल के वो आ रहा है ईटानगर में टाइसन टॉक शो के एनिवर्सरी सीरी के लिए। तो अभी मिसेस को भी ले जाना था, तो मिसेस को जगह नहीं होगा गाड़ी में, उधर दो आदमी है, फिर टाइसन टॉक शो का एमडी भी जा रहे हैं, तो मिसेस को छोड़ देगा, रहने देगा घर में। वो अभी पुल लेके आ रहे हैं क्योंकि उसका हाथ में था ना बोके जो। तो नो बेतो ही आराम से फिर वापस सो जा थोड़ा सा। दे गुड मॉर्निंग गाइस तू बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ अकमिंग का अकम जी का ये टॉक जीपिंग टाइसन टॉक शो का एमडी जो वहाँ में पिप्स होटल में रुक रहे हैं, हमको उसको लेके डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन जाएगा। और ये सिंगर का नाम तो सिर्फ पोकन बोल के हमको मालूम है, और गाना तो मस्त ऐसे बढ़िया गाते हैं, असम का बहुत पॉपुलर सिंगर है। तो वो आ रहे हैं एनिवर्सरी के लिए, हिंदी सर यहाँ में रुक रहे हैं, उधर रुक रहे हैं। आजा आजा, गुड मॉर्निंग गाइस। ये सिंगर का नाम को हम भूल गया था, अभी एमडी सर बताया सिंगर है ऋषि राज। सिंगर का नाम जो है अच्छा भाई सुन लिया ना, सिंगिंग सेंसेशन ऑफ असम, उसका नाम है ऋषि राज उपन। तो बहुत बड़ा पॉपुलर सिंगर है, सच में गाना तो सुनने से सब पिदा हो जाएगा सच में, बहुत बढ़िया गाना गाता है। एक्चुअली हमको भी इतना मालूम नहीं था, ये गाना को सुन के ना और फैशन टॉक शो में गाने वाला है यूनिवर्सिटी में कल रात को। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं नाहर लगन रास्ता में, देखिए गाइस अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ईटानगर नाहरलगन रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ में ट्रेन अभी तक नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने ही वाला है बोला है रास्ता में, तो ज़रूर कोशिश करेंगे आपको अच्छे से रूबरू कराने के लिए। इतना पटावट चाय लेके पी के बेहतर है, कॉपी है क्या? yes. हमको भी मिलेगा चाय दे दो, कॉपी दे दो भाई। ये तो भाई नहीं है, भैया है, तो ऑलरेडी निकल के रखा हुआ है। अच्छा ये ट्रेन जाने वाला है, इसका मतलब ये देखिए फैन बजा रहा था, हिलना शुरू हो गया सांप का जैसा, देखो आप लोग देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे लेकिन हिल रहे है गाड़ी, जा रहे हैं। अरे ये कौन है? हैं तरीका हम तो कौन है बोल के सोचा था। एक तो असम का एक तो सिंगर आ रहा है, ये ऋषि राज पोकन बोल के। इतना मौत हो गया देखो तो। अरे यार क्या बोलेगा, पैसा है ना पॉकेट में, पेट में पूरा पैसा है ना, बड़ा आदमी बन गया हम, देखो ना दोस्त है एकदम जिगरी दोस्त है, अचानक दिखाई दिया यार। का सर बात करते करते टाइम पास हो गया, बढ़िया टाइम पास हो गया सच में, एक साल का बात, बहुत साल का बात मिला है इसका वजह से, इतना बात करके बढ़िया लगा। तो अभी बात करते करते वो ट्रेन भी आ गया, ट्रेन पहुंच गया, पोकन भाई का ट्रेन पहुंच गया। यहाँ में पोकन भाई आ रहा है, ऋषि राज पोकन ये ट्रेन में आ रहा है।
बेटा फर्स्ट टाइम ट्रेन में आ रहे हैं अदरवाइज फ्लाइट से नहीं वो उस दिन क्या है तो फ्लाइट सफर में किया और उसका भी एक्सपीरियंस बढ़िया हो रहा है टेपोटो हाँ दवा दिया नहीं वीडियो लाइन हाँ वीडियो वीडियो ये सिंगर आया है ये असम से ये दोनों हाँ ये वीडियो ना हाँ बहुत आप बहुत बड़ा सिंगर हम अरुणाचल आ गया इसलिए धन्यवाद आगे मिलते रहेगा ना आ गया सर और ये आपका दोस्त ना अरुणाचल या बैठेगा ना मज़ा बना वो कोके बना नो ताका को नोमे मोमे पागो को मुझे इन दाकुल दागरु कुमार अब ये ने मैं जो मैं उनके ज़्यादा मिलता है तो फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल में तीनों बीच गए हमें दूसरे लोग बाइलू अनमोल अनमोल सिक्किम से आया यहाँ में बैठेगा फाइनली गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे अंदर जाके रेस्ट करने दे ऋषि भाई आप दोनों ईटानगर तो तरह तो देख लिया ना हाँ तो कैसे लगा ब्यूटीफुल द वैली द व्यूज एंड ऑल एंड आई रियली लाइक द रोड ओके थैंक यू तो ओए ओए ये मैडम को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें ये आपका ये ना ओह सॉरी और एक बार करेगा क्या ठीक 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 एक्चुअली हम ये माला जो है आपको देने के लिए था पूरा आप भी सामने में नहीं आया थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हमारे फाइनली गाइस ये हम लोग का दूसरी राज ओपन जो है हम लोग का अरुणाचल पहुंच गया और इतना बड़ा सिंगर सेंसेशन जो हम लोग का मेरा सामने देख रहा है हो गया बहुत बढ़िया लग रहा है जो भी बोलो ना आपको वंस अगेन अरुणाचल में वेलकम और ये आपका आपका भाई और उसका गर्लफ्रेंड जो है ईटानगर में और यहाँ में बेबीज होटल में आ चुका है तो जो आप लोग बैकग्राउंड गाना सुन रहे हैं ये उसका ही गाना है तो बहुत बड़ा सिंगिंग सेंसेशन ऑफ आसाम इज इन माय अरुणाचल हम लोग फाइनली रूम में एंटर करने जा रहे हैं और यही में सेम जगह में तो मैं जस्ट इसका नीचे में ऊपर में ऐसे ही सेम रूम है तो यहाँ में बैठेगा ये भाई और बहन भाई और बुआरी दोनों बोलना पड़ेगा आपको भाई बोलने से बुआरी बोलना पड़ेगा अगर इसको बहन ही बोले जिसको जगह तो तीखी है ना आप लोग को कैसे लग रहा है ना ठीक है ना गिरना नहीं है गिरना नहीं हाँ हाँ फोन फोन है ना हाँ फोन नंबर ठीक है तो है बे गुड है मिलेगा बस हाँ मिलेगा हम लोग छोड़ दिया रूम में ना सर यस सर अभी हम दोनों लिप से नाम रहे अभी डायरेक्ट घर अपना अपना घर चला आ गया सर जा रहे हैं हो गया फाइनल आज का नहीं हो तीन चार ही घुसेगा ज्यादा ज्यादा पीछे में तीन ही घुसेगा ज्यादा ज्यादा चला गया अभी हम जाते निकल जाते
चारे घर ऋतुराज ओपन लुक और बुआरी यहाँ में बेहतर है कभी तो चल ये ताट फोर्थ फ्लोर में बहुत ऊँचा है। चला निकलते हैं भाई। फाइनली गाइस घर पहुंच गया। घर आप लोग को कैसे लगा कमेंट्स करके बताना। आप लोग ऋतुराज ओपन को पहले से जानता था मैं नहीं जानता था उनको अरुणाचल में इतना मालूम भी नहीं हो सकता है लेकिन अभी से जानने से ठीक है। कल फैशन टॉक शो में बढ़िया परफॉर्म करने वाला है और आप लोग ये यूट्यूब में कहीं भी सुनो ऋतुराज पुकोन ना उसका पॉपुलरिटी को आपको मालूम हो जाएगा तो कितना पॉपुलर आदमी है असम में। बहुत गाना भी ऐसे बढ़िया लगता है सुनने के लिए सच में। इसलिए आज आप लोग को मिलाया किसी किसी के लिए फर्स्ट टाइम भी हो सकता है लेकिन बहुत ही लड़का भी बहुत अच्छा है बहुत डाउन टू अर्थ है और उसका साथ उसका गर्लफ्रेंड भी आया हुआ है तो आप लोग देख लिया होगा। ये लोग देखो ठीक से काम कर रहा है अभी क्या बोला है पानी ऐसे किस हो जाएगा पानी तो है ना बहुत स्टोर करके रखा हुआ है हो जाएगा ना कल आ जाएगा। ये देखो आज ना गाइस ये मेरा माइकी दोनों पानी नहीं भरा है बोला ज़्यादा सो दिया बोले ऐसे नहीं होगा रे ऐसे कल ऐसे और बच्चा तीनों नहीं होता है अभी तो माँ दोनों उठ गया और बाप तो पहले से उसके बेटा और इधर माँ का घूम रहा था और ये तो दुमादुम लग रहा है पानी नहीं भरा के पानी ज़्यादा यूज मत करो दे। कोकोन भाई को मिलने बहुत दिल था इसको ना लेकिन आ गया बेबी सुतेल में रखा है कितना आया है दो उसका गर्लफ्रेंड और वो गर्लफ्रेंड हम लोग का अब उतनी बच्चा है मिसिंग लड़की। तो गाइस आज का ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं तो आप लोग देखने दिल होने से भी लंबा होने से कट कट के देखना पड़ता है इसलिए आज हम इस भाई को हम क्यों मिलाया बोलने से वो बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं इसका कारण से आप लोग को मिलाने के लिए कोशिश किया। बहुत लड़का अच्छा है और डाउन टू अर्थ है और पॉपुलरिटी तो असम में इतना ज़्यादा है कि मत पूछिए ना। फिर से गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट करके फिर इन लोग को लंच खाने के लिए कहीं और ले जाएगा तो आप लोग को हम आज दिन भर उन लोग को कहाँ ले जाएगा क्या करेगा आप लोग को दिखाएगा ऋतुराज पोकोन और उसका गर्लफ्रेंड को। गाइस फिर से आ गया हम लोग यहाँ में कमती रेस्टोरेंट में ये लोग को लोकल खाना खिलाने के लिए अभी बार बार चांस नहीं मिलता है इसलिए आज चांस में उसका साथ वीडियो कैप्चर करके रखेगा। देखिए गाइस ये दोनों का साथ ठीक से आज खाना खाएगा। ये मेरा मिसेस भी आज हम लोग का साथ घूमेगा बोल के आया है ये फोटो भी साथ में खींचेगा आप लोग साथ में खींचिए फोटो। ओपन भाई लोग फर्स्ट टाइम ईटानगर में आया है अरुणाचल प्रदेश में तो इसलिए आप लोग का कमती खाना खिलाया तो भाई खाना कैसे था बहुत टेस्टी और मेन बात वो जो फ्रेशनेस था बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा ना बहन खराब होने से बाद में वहाँ में जाके बोल अपना जगह में जाके हो खराब तो बोले आप भी खुद भी देने आप अच्छा पाया ही हो सिंगर का साथ में आज दिन घूमने मिल रहे हैं। अभी हम लोग फिर म्यूजियम में जाएगा म्यूजियम ही एक ऐसा है कि कहीं भी नहीं जाके एक जगह में देख के पूरा पता चल सकता है ना अभी तो डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जा पाएगा वहाँ में पता चल जाएगा वो ये डिस्ट्रिक्ट का आदमी ऐसे ऐसे हो तो अभी आप अरुणाचल घुमाए जैसे हो गए
मिनी अरुणाचल टूर करेगा। उसके बाद फिर गोम्बा मंदिर में ना दोबारा दर्शन कराएगा। एक बार हम लोग का इस सेक्रेटरियट को भी टूर करा ही लेता है, आ गया तो भाई लोग को बहुत ही बड़ा है। यहाँ में सीएम लोग बैठते हैं ना, जितना बड़ा बड़ा मिनिस्टर है। फर्स्ट टाइम अरुणाचल में आया ना ये भाई लोग, इसलिए थोड़ा सा सेक्रेटरियट को घुमा के देखा रहे और पार्क को भी देखा रहे। बुलाने से आता है क्या आश्चर्य होगा? वाह सच में बहुत मछली है। क्योंकि बाहर से आने वाला को हम लोग अपना अरुणाचल में थोड़ा देखा ना बनता है ना, इसलिए गाइस देखा रहे अपना सबसे बड़ा ऑफिस सेक्रेटरी ऑफिस को, दोनों एंजॉय कर रहे थोड़ा सा। आजा आजा पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ, पीछे 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 इधर 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 आम इधर इधर में देखो मेरा पीछे पीछे आ रहे गाइस देखो ये देखो मेरा पीछे पीछे याद आ गया। ओ फिर उसको पीछे कर रहा है ये देखो। इसको देखा है वो उधर, इसको भी एक बार देख लो, ये तो ट्राइब्स का ना अलग अलग ट्राइब्स का मैं पिक्चर बना के रखा हुआ है। पूरा ये गाइड कर रहे हैं, गाइड बन रहे हैं। ये इतना कुछ भी सब मालूम नहीं है। सेक्रेटरियट को तो दिखा दिया गाइस, पीछे व्यूज बढ़िया देखता है व्यू जो। तो अभी फिर म्यूजियम में लेके जाने की कोशिश करें, खुला है ना नहीं खुला, बंद भी हो गया हुआ पता नहीं, अभी जाके पता चल जाएगा। अभी फिर से म्यूजियम में आ गया, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है क्या। लोकल ड्राम है, लोकल ड्राम फेस्टिवल में बजाता है ये लोग ना, स्पेशली नोक्ते वांगचो। म्यूजियम तो घूम के हो गया, अभी फिर गुम्बा मंदिर में जाए। गुम्बा मंदिर ये एक राउंड मार के आ गया ना। हाँ किसके लिए मारा है? वो अपना बेटा के लिए मारा है एक राउंड। वो पायलट बन जाओ सोच रहा है इसलिए क्योंकि मेरा बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ता है ना, और हम जो गाड़ी में मिले एक तो गुरनेल लगा है ना, वो मेरा बेटा ही ले आया, उसको पायलट में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ हाँ वो पायलट बहुत इंटरेस्ट है ना, पायलट बनेगा बोलते है, पता नहीं। ठीक है अभी हम लोग गोम्बा मंदिर में आ गया भाई लोग को लेके। ये इसका गेट अभी सेकेंड टाइम है, कल भी दुपचम भाई लोग को लेके आया था, अभी फिर ऋतुराज ओपन को। अभी थोड़ा घूम लो, हम हो गया कल हम घुमा भाई और बुआरी को, बुआरी बोले बाहर से आए हैं उनको क्या रहता है अभी, उनको घूमने रखते बढ़िया से देखने। बहुत गर्म हो रहा है ना आपका तो पीछे भिज गया लगता है, हाँ पसीना हो गया लग रहा है।
गाइस घूम के हो गया, अभी ये भाई लोग को ये होटल में छोड़ देगा, बाद में लेने आएगा ना। हाँ हमको आना पड़ेगा अलग पैसे, रेडी हो जाने से। हाँ फोन नंबर तो हम भी ले आए, हम ये फोन कर लेगा होगा। ओके होगा ना बैन हाँ होगा होगा तब बैन हो गया चला गया। अभी हम लोग घर जाएगा बहुत देर का बाद, पूरा रेस करेगा। ये अभी अभी हम लोग का आँखों का सामने में एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटी अंदर में अभी तो ट्रक का अंदर में ये देख सकते हैं। ये ट्रक वाला लोग ना देख के चलाने, स्कूटी आगे जा रहा था ट्रक पीछे आ रहा था, तो थोड़ा बालू था उसको देख के स्कूटी थोड़ा ब्रेक मार दिया तो ट्रक पीछे से टोक गया, तो डायरेक्ट स्कूटी गाड़ी का अंदर देख गया और आदमी लकीली बच गया, उस तरफ देख दिया ना, फिर भी आदमी को बहुत गहरा चुप लगा, इतना खून रहा है देख के हमको पूरा, अभी तो पूरा मुँह बाम निकल रहा है, अभी याद आने से हमको बहुत डर लग रहा है। इसलिए ना जो बड़ा गाड़ी चलाते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, आप लोग जिससे भी हो छोटा गाड़ी लोग को ख्याल कीजिए और ज़्यादा टाउन का बीच में स्पीड मत चलाइए। ये देखो गाइस, इसको इसको सुबह से हम वीडियो में नहीं ला पाया, ये देखो, और गाइस सुनेगा, ये प्ले ग्रुप में एकदम क्या क्या मतलब फास्ट रैंक मारा है, पता नहीं कैसे मारा है वही जानते हैं प्ले ग्रुप में। तो गाइस इसका जिंदगी में पढ़ाई का फर्स्ट स्टेप एग्जाम जो बहुत बढ़िया हुआ है, जो भी बोलो ऊपर वाला को धन्यवाद देता है। और गाइस आज ऋतुराज फुकन का साथ हम दिन भर घुमा, आप इसको देखे कैसे लगा, अच्छा लगा है ना खराब लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसी प्रकार आज का ब्लॉग को हम यही समाप्त करते, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को कमेंट को कभी नहीं भूलना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।